तो इधर केंद्रीय राज्य मंत्री कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां पर करीब 190 नौजवानों को नई नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नौजवानों को नौकरी की नियुक्ति पर पत्र दिए हैं, साथ ही कहा कि रोजगार देना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देने का कार्य किया है। देखिए, आज जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी रोजगार देंगे, आज उसी कड़ी में 10वें अंक में 51,116 लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देने का कार्य किया है। उस निमित्त मैं स्वयं आज कपूरथला में 190 नौजवानों को नियुक्ति पत्र के मौके पर मैं साक्षी बना हूं। मेरे साथ या कपूरथला से सांसद छोटे भाई सरदार जसवीर सिंह गिल भी इस मौके के साक्षी बने, क्योंकि रोजगार देना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ये देश युवाओं का देश है, युवाओं के हाथ में हुनर देना, हुनर देकर उनको रोजगार देना इस सरकार की प्राथमिकता है, और ये काम लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। उसी निमित्त आज यहाँ पर हमने 190 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। सर, ये भारत यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है उससे भारत के सशक्तिकरण का रास्ता भी खुल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि जो हलचल हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका भी कारण ये भी है? देखिए, ऐसा है निश्चित तौर पर राजनीति में, और कोई देश किसी देश की तरक्की को पसंद नहीं।